आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 25 जून 2023 का। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए गए हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, बलिदान स्तंभ का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? इसका सही उत्तर है श्रीनगर। श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण किया जाएगा और हाल ही में इसका उद्घाटन किए हैं अमित शाह के द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का। अगला है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज ने पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जो राज्य है उसके साथ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज है वह एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहाँ पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, यानी और प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम का। तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, मेघा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो सही उत्तर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। और तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में इसका जो फैक्ट्री है मेगा रेल कोच फैक्ट्री, इसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो फैक्ट्री है यह स्थित है कोंडाकल गांव में। यह जो है कोंडाकल गांव में है और यह जो गांव है कोंडाकल गांव है रंगारेड्डी, रंगारेड्डी जो जिला है यहाँ स्थित है यह कोंडाकल गांव, जहां रेल कोच विनिर्माण जो फैक्ट्री है उसका उद्घाटन किया गया है। और यह जो फैक्ट्री है भारतीय कंपनी है मेगा सर्वो समूह, और स्टैडलर रेल जो है यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है। यह जो है स्विट्जरलैंड की कंपनी है स्टैडलर रेल, और यह दोनों जो कंपनी है वह इस फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है। अगला है, किस संगठन को टीम मार्क्समैन के द्वारा 2023-24 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो सही उत्तर है एनटीपीसी जो संगठन है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो संगठन है वह टीम मार्क्समैन के द्वारा 2023-24 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला है, नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है इसका 25 जून को हर साल नाविक दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। और जो इस वर्ष का विषय है नाविक दिवस का वह है 50 पर मारपोल, हमारी प्रतिबद्धता जारी है। यह जो है वर्ष 2023 का यह विषय है और इस वर्ष का जो अभियान का हैशटैग है ओशन वर्थ प्रोटेक्टिंग, ओशन वर्थ प्रोटेक्टिंग जो है वह 2023 का यह अभियान हैशटैग है। अगला है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 21 जून को हर साल विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 21 जून। और इस वर्ष का जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का जो विषय है वह है हाइड्रोग्राफी, महासागर के डिजिटल जुड़वा को रेखांकित करना। यह जो है इस वर्ष का विषय है 2023 का। और सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा 2005 में जो है इसे वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने को मंजूरी प्रदान किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 29 नवंबर 2005 को इसका इस दिन को मनाने की मान्यता प्रदान की गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का जो स्थापना हुआ था 1921 में, और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव है भी वर्तमान में डॉक्टर मैथियास जोनास, और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का जो मुख्यालय है वह मोनाको में है, और मोनाको जो है वह यूरोप का एक देश है। अगला है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर इसका है 24 जून को हर साल कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 24 जून। और इस वर्ष का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस का वह है
बाधाओं को तोड़ना, भविष्य को आकार देना, सतत विकास के लिए कूटनीति में महिलाएं, यह जो है वर्ष 2023 का यह विषय है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किए हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक मैच खेलने के लिए, और यह 200वां मैच यह खेलेंगे जो यूरो कप का एक मैच होगा आइसलैंड के खिलाफ, यूरो 2024 जो क्वालिफायर मैच होगा इसमें यह अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे और यह 200 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और इनके नाम पर यह गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड यह दर्ज किया गया है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर सबसे ऊपर है, यानी कौन सा शहर जो है वह सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो सही उत्तर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में यह शहर है जो कि विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वियना ऑस्ट्रिया में। दूसरे नंबर पर है कोपेनहेगन डेनमार्क का, और तीसरे नंबर पर है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का, चौथे नंबर पर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का। यह जो टॉप चार है वह रहने योग्य शहर है। अगर हम लोग एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो जापान का शहर है वह 10वें स्थान पर है, यह जो है सबसे ऊपर है एशिया में, और यह जो जापान का शहर है ओसाका जो शहर है वह 10वें स्थान पर है, और यह जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसे पब्लिश करता हर साल इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इसे हर साल पब्लिश किया जाता है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रिया जो है वह एक बार फिर से और इस रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रिया जो देश है वह एक बार फिर से दुनिया भर में सबसे रहने योग्य यह शहर में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, यानी 1947 से लेकर 1977 तक का यह जो पुस्तक है इसके लेखक किस कौन है? तो सही उत्तर है अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, और पुस्तक का नाम है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से लेकर आपातकाल तक के, इसके लेखक है अशोक कुमार भट्टाचार्य। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के 25 जून 2023 के। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।